पूर्वोत्तर रेलवे कार्मिक यूनियन के आम कर्मचारी सभा का आयोजन पूर्वोत्तर रेलवे के वर्कशॉप के मुख्य गेट के सामने किया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्वोत्तर रेलवे कार्मिक यूनियन के अध्यक्ष रमाकांत प्रसाद सिंह ने की। आम सभा को संबोधित करते हुए कार्मिक यूनियन के महामंत्री राकेश मिश्रा ने कहा कि हम लोगों को नेताओं के चुंगल से आजाद होकर अपने हित के लिए कार्य करना चाहिए। इस संबंध में उपस्थित कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा, और कुछ नेता होंगे जो दिखाई में नहीं पड़ते लेकिन नेता है, पोस्टर नहीं लगाया लेकिन नेता है। अगर मान ले 500 नेता है और आपके यहाँ 5000 स्टाफ है तो एक नेता पे केवल 10 रेलवे कर्मी पड़ रहा है। काम करके दिखाइए, हमारी आवश्यकता ही नहीं है। संगठन सामने चला है और आपके लिए कोई जीतने हारने की समस्या ही न रह जाए, आपका कहानी खत्म हो जाए। भाइयों, आप सबसे विदा लेने के पहले मैं आप सबसे एक हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, हमारा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक नंबर, आप सब हमारे आज नव निर्वाचित मंडल मंत्री कारखाना श्री छविलाल चौहान जी से आप ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। चाहिए वहां जाके बैठेंगे तो आप देखेंगे, सुबह सुबह जब बैठेंगे पहली चाय 10 बजे आ जाएगी, चाय पी लीजिए, आधे घंटे अखबार पढ़िए, आधे घंटे किसी अन्य संगठन की बुराई करिए और बाकी पूरे दिन अपने मुंह मियां मिट्टू बनिए, हमने ये करा दिया, हमने वो करा दिया, हमने वो करा दिया। और जो दबंग नेता के शागिर्द है वो नेताजी की आरती उतार रहे थे कि उन्होंने इसको मार दिया, उसको मार दिया, उसको गाली दे दिया। हमारा संगठन ऐसा कुछ नहीं करता है, एक इंसान खड़ा है आपके लिए, इनके साथ कुमार राजीव जी है, शायद कहीं आसपास अभी आएंगे। अगर आप हमारा साथ दें तो मैं बहुत बड़ा वादा नहीं करता हूं, इतना जरूर कहूंगा यदि आप सबका साथ हमारे साथ रहा, चुनाव होने के पहले इस कारखाने के नेताओं को कारखाने के लिए कुछ कर दूंगा, बोलने के लिए मैं भी मुद्दा नहीं छोड़ूंगा। ये आपको मैं वादा करता हूं, ये पूर्वोत्तर रेलवे कार्मिक यूनियन वादा करती है।